हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी बेबी बुटीज लेके आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। ये हमारी न्यू बोर्न बेबी से लेके और 3 से 4 मंथ के बेबी के लिए बहुत ही परफेक्ट साइज है। ये मैंने यहाँ नीचे की तरफ से बनानी शुरू की है और यहाँ पर आके इसको कम्प्लीट किया है। तो चलिए देखते हैं ये बुटीज कैसे बनाई गई है। बुटीज बनाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बुटीज और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बुनना शुरू करते हैं। इसको बुनने के लिए मैंने ये वर्तमान वाली बेबी वूल ली है और ये 10 नंबर की सिलाई ली है। 10 नंबर की सिलाई से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके फंदे डालेंगे। फंदे हम इसके सिंगल धागे से डालेंगे। ऐसे धागा लेंगे और एक नोट ऐसे लगाएंगे और ये फंदा हम यहाँ पे डाल लेंगे ऐसे। अब जो ये छोटा धागा है इसको अंगूठे पे करेंगे और बड़े धागे को उंगली पे करेंगे। यहाँ से फंदा लेंगे और ऐसे इसमें फंदा बनाएंगे। फिर से यहाँ से लेंगे और उंगली वाले का फंदा बना लेंगे। ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पे 46 फंदे डालेंगे ऐसे। 3 और 3 6 7 8 9 और 10 ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पर 46 फंदे डाल लेंगे, यानी 46 फंदे डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 46 फंदे डाल लिए हैं। 46 फंदे डाल के अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, फर्स्ट रो है। तो धागा अपनी तरफ ऐसे करते हुए पूरी रो को हम उल्टा बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ रखेंगे और उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। फंदे हम इसके सिंगल धागे से डालेंगे और थोड़े से फंदे हम ये लूज डालेंगे। ऐसे बुनते हुए इसको पूरी रो को उल्टा बना लेंगे। ये फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे सेकंड रो पर। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको भी ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ऐसे इस पूरी रो को भी हम उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये यहाँ पे 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई है, ऐसे ही हम यहाँ पे ये एक धारी हमारी यहाँ पे बन के आई, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से। तो 12 सिलाइयाँ हम सीधी तरफ से बनाएंगे, 12 सिलाई हम उल्टी तरफ से। टोटल हम 24 सिलाइयाँ यानी 24 सिलाई हम यहाँ पे बना के उल्टी उल्टी कंप्लीट करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे इसमें आगे क्या करेंगे आगे के पार्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 24 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट की हैं। 12 सिलाइयाँ हमारी सीधी तरफ से हैं और 12 सिलाई हमारी उल्टी तरफ से हैं। 24 सिलाई बन के कम्प्लीट हो गई है। अब हम 25वीं सिलाई बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम 9 फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फंदे को इसी पे लेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे, फंदे को लूज रखेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर से फंदे को लेंगे और इसके ऊपर करेंगे और फिर से बाइंड ऑफ करेंगे। ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पे 9 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। 4 फंदे हमारे कम हो गए, अब ये 5वां फंदा है। अब फिर इसी के ऊपर करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, ये 6 फंदे कम हुए। फिर इसी पे लेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे, 7 फंदे। फिर इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, 8 फंदे कम हुए। फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो ये हमारे 9 फंदे हमने यहाँ पे बंद किए हैं। अब आगे की पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा बनाते जाएंगे, पूरी सिलाई को, इसको ऐसे पूरी को उल्टा बना लेंगे।
बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको बताया है। जिसको थोड़ी सी भी बुनाई आती है वो भी इसको आसानी से बुन लेंगे और बहुत ही जल्दी बन के आती है। सिर्फ 15-20 ग्राम वूल लगती है, कम से कम 15-20 ग्राम वूल में बन के तैयार हो जाती है। इस पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। बुनने के बाद जब हम बैक साइड में आएंगे तो फिर से हम यहाँ पे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। ये हमारी पूरी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब जैसे हमने यहाँ पे फंदे बाइंड ऑफ करे थे वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो 2 का 1 बनाएंगे उल्टा फंदा। एक फंदा कम हुआ फिर यहाँ पे लेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। तो 2 फंदे कम हुए फिर यहाँ पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो 3 फंदे कम हुए फिर यहाँ पे लेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। तो 4 फंदे कम हुए, ये 5 कम हुए। अब फिर 2 का 1 करेंगे, ये 6 फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए। अब यहाँ पे फिर से 2 का 1 करेंगे तो 7, फिर 2 का 1 करेंगे तो 8, फिर से 2 का 1 करेंगे तो 9। 9 फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब हम इस पूरी रो को ऐसे ही उल्टा बनाते जाएंगे। अब हम इन सभी फंदों को यहाँ तक उल्टा बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। 9 फंदे हमने यहाँ से बंद किए हैं, 9 फंदे यहाँ से बंद किए हैं, तो 18 फंदे हमारे कम हो गए। टोटल थे हमारे 46 फंदे। तो अब यहाँ पे हमारे 28 फंदे बचे हुए हैं। तो अब इन फंदों में हम जाली डालेंगे। तो ये फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब धागा ऐसे घुमाएंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर धागा ऐसे घुमाएंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर धागा घुमाएंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर धागा घुमाएंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करेंगे तो फंदा घटेगा, धागा घुमाएंगे जाली डलेगी तो फंदा फिर से बढ़ जाएगा। धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर धागा घुमाएंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर से धागा घुमाएंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से धागा घुमाएंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से धागा घुमाएंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से धागा घुमाएंगे तो 2 का 1 करेंगे। फिर धागा घुमाएंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर धागा घुमाएंगे तो 2 का 1 करेंगे। अब फिर यहाँ पे धागा घुमाएंगे, ये एक फंदा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनको काउंट करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है। तो ये 2 फंदे हैं, एक जाली का एक सीधा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 29। 29 फंदे हमारे बन गए। अब बैक साइड से फिर से इस पूरी रो को उल्टा बनाएंगे। जाली वाले फंदे को भी हम उल्टा ही बुनेंगे और बुने हुए फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। यहाँ हमारी ये जाली भी डल जाएगी डोरी डालने के लिए और फंदे बढ़ के भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसको पूरी को उल्टा बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाई है ये बुटीज हमने, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसके अंदर बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने 46 फंदे डाले हैं, आप साइज के हिसाब से आप यहाँ पे फंदे ज्यादा डाल लीजिएगा।
46 की जगह आप 50 फंदे डाल लीजिएगा, 55 फंदे डाल लीजिएगा, और बड़े साइज में बनाना है तो आप यहाँ पे 60 फंदे डाल लीजिएगा। ये हमारी सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। तो देखिए ये हमारी जाली डल गई। अब हम इसके ऊपर बॉर्डर बनाएंगे, जैसे हमने इस बुटीज में बनाया है ये ऊपर बॉर्डर यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांच सिलाई सीधी तरफ से, पांच उल्टी तरफ से, तो 10 सिलाइयों का हम ये बॉर्डर बना लेंगे। ये बॉर्डर बना के फिर आपको दिखाएंगे आगे इसमें क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बॉर्डर बन के कम्प्लीट हुआ। ये हमारी सीधी साइड है, अब हम आएंगे बैक साइड में। तो यहाँ से हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, तो दो का एक करेंगे ऐसे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, वापस इसी पे लेंगे और फिर दो का एक करेंगे। फिर इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, इसी नीडल पे लेंगे और दो का एक करेंगे। फिर से इसी नीडल पे लेंगे और दो का एक करेंगे। फिर से इसको लूज रखेंगे, इस नीडल पे लेंगे और दो का एक करेंगे। ऐसे करते हुए इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। अब ये फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब यहाँ से लेंगे और इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे ऐसे, और इसको यहाँ पे टाइट करेंगे ऐसे। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, इसी से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से इसको काट लेंगे। अब इसको सुई में डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सीधा हिस्सा है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको यहाँ से सिलेंगे और यहाँ से ऐसे सिलते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से एक बार इसको पक्का करेंगे। अब यहाँ से पक्का करने के बाद इसको ऐसे सीधा कर लेंगे ऐसे, और अब इसकी जैसे ये धारी के अंदर इसकी धारी मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से लेंगे एक बार, यहाँ से लेंगे, बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई करेंगे, एक बार दूसरी साइड से, एक बार अपनी तरफ से। यहाँ से लेंगे ऐसे बारीक बारीक सिलाई करेंगे ताकि इसका पता भी नहीं लगेगा कि ये सिलाई कहाँ से की हुई है। ऐसे सिल लेंगे। फिर यहां से सिल लेंगे, फिर यहां से लेंगे, फिर यहां से लेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स इसका बॉर्डर का पता भी नहीं लगेगा कि ये कहाँ से सिला हुआ है। अब इसकी यहाँ से और यहाँ से सिलाई करेंगे। एक बार इस धारी में से सिलाई डालेंगे, एक बार दूसरी तरफ से डालेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे। ऐसे इसको बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। ये सिलाई हमारी सीधी तरफ से करते आए हम यहाँ तक। ऐसे लेंगे। अब यहाँ से इस साइड से सिलाई डालेंगे, दो
तीन धारी के अंदर सिलाई डालेंगे और इसको ऐसे टाइट सा खींचेंगे। फिर यहाँ से सिलाई डालेंगे, इसको ऐसे खींच लेंगे, यहाँ से हमारी अच्छे से गोलाई में शेप आ जाएगी। और इसको यहाँ पे टाइट करेंगे, ऐसे इसको टाइट करेंगे। अब इसको फिर उल्टा कर लेंगे। अब इसकी सिलाई करेंगे हम, उल्टी तरफ से यहाँ से सिलाई करते हुए इसकी यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम सीधा करेंगे ऐसे, देखिए ऐसे हमारी ये बहुत ही प्यारी सी ऐसे बुटीज बन के आई है। अब इसके अंदर से हम डोरी डाल देंगे। तो मैंने ये डोरी बनाई हुई है, जो इसके सेंटर में यहाँ पे छेद है, इसमें से सिलाई डाल लेंगे, ये डोरी डाल लेंगे, सॉरी। इस डोरी के इसके चारों तरफ से ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके एक कोने पे ये मैंने इसका फ्लावर लगा दिया है, एक साइड में हम और लगाएंगे। तो ऐसे धागा लेंगे, ऐसे इसको लपेटेंगे, और यहाँ से कट करेंगे। अब इस धागे को लेंगे यहाँ से और इसकी एक नोट यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, और इसको यहाँ से काट के बराबर कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों बूटीज बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको ये बुटीज पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये बुटीज कैसी लगी। थैंक यू।